Good morning, my dear children. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. In today's maths class, we learn exercise 3E Mind Gym, question number 1, 2 and 3. So students, note down C.W, note down date and day also. Okay, then question number 1. Estimate the products by rounding off to the nearest 100. 689 multiply by 420 दिया गया है, इसे हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100. सो लेट्स स्टार्ट. बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 689 बिकम 700 एंड 420 बिकम 400. सो 7 4 जा हाउ मच 28. देयरफॉर 280,000. Okay. Then this is a one way. अगर आप चाहें तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. 700 मल्टीप्लाई बाय 400. 000. किसी भी नंबर को हमने अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमें जीरो ही मिलता है. अंडरस्टूड? 400 4728. सो हियर वी गेट आंसर 280,000. अंडरस्टूड? आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर बी. 2259 मल्टीप्लाई विद 75. अब हमें 2259 का नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है. तो 2259 कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आता है? 200 एंड 300. सो बट 2250 से बड़ा है, इसलिए हमने उसका नियरेस्ट 100 कैरी किया 2300. देन 75 का नियरेस्ट 100 आ गया 100. सो यह बिकम 2300 मल्टीप्लाई विथ 100. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, किसी भी नंबर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है. जैसे हमने 2300 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला 230,000. आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी नंबर को जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा. 1 0 0 1 0 0 0, 1 3 3 एंड 1 2 2. आप चेक कर सकते हैं आंसर हमें. सो आप देख सकते हैं हमें आंसर सेम मिला है. सो देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 96 मल्टीप्लाई बाय 286, इसे भी हमें नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है. तो 96 का नियरेस्ट 100 हो गया 100 एंड 286 का नियरेस्ट 100 हो गया 300, क्योंकि 286 आता है 200 और 300 के बीच में और हाफ वे मार्क पे आता है 250 और गिवन नंबर 250 से ग्रेटर है. सो वी टेक नियरेस्ट 100 ऑफ अ गिवन नंबर टू द आफ्टर वन. सो वी टेक 300 एज अ nearest 100 of 286. So here 300 multiply with 100. So answer आ जाएगा हमारा 300 multiply with 100. इसे आप direct भी कर सकते हैं. थर्टी थाउजेंड.
सो स्टूडेंट्स आंसर इज 30,000। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड इट केयरफुली। नर्सरी हैज 4,556 प्लांट्स, राउंड ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स टू द नियरेस्ट 100 एंड फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 44 सच नर्सरीज। नंबर ऑफ प्लांट्स इन नर्सरीज इज 4,556, नंबर ऑफ नर्सरी इज 44, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 44 नर्सरीज टू द नियरेस्ट 100 यह हमें फाइंड आउट करना है। सो 4,556 का नियरेस्ट 100 हो गया 4,600। सो देयर फोर 4,600 मल्टीप्लाई विथ 44, 4,600 मल्टीप्लाई विथ 44, 4 0 0 4 0 0, 4 6 24 एंड 4 4 16, 16 9 2 इज 18, 4 0 0 4 0 0, 4 6 24, 4 4 16, 16 9 2 इज 18, 0 0 4 एज इट इज 8 and 4 इज 12, 2 carry 1 1 8 9 10, 0 carry 1 1 and 1 इज 2। सो व्हाट वी गेट एज आंसर, ₹2,02,400। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन 44 नर्सरी इज इक्वल्स टू 2,02,400। अंडरस्टूड? देन क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन कैन कैरी 2,856 पैसेंजर्स इन वन डे ऑफ जर्नी। एक ट्रेन 2,856 यात्री कैरी करती है एक दिन की जर्नी में। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पैसेंजर इट कैरीज इनटू इन 70 डेज। आप इन नंबर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, है ना? देन हमें वह ट्रेन 70 डेज में कितने यात्री कैरी करेगी यह हमें फाइंड आउट करना है और उसका एस्टिमेशन निकालना है टू द नियरेस्ट टेंस। सो नंबर ऑफ पैसेंजर इन अ ट्रेन इज 2,856। देन नंबर ऑफ डेज ऑफ जर्नी 70 डेज, डेज लिखेंगे यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ पैसेंजर कैरीड इन 70 डेज यह हमें पता करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। 2,856 का नियरेस्ट टेंस हो गया 2,860। सो देयर फोर 2,860 मल्टीप्लाई विथ 7,070। सो अब हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। 2,860 मल्टीप्लाई विथ 7,070। 0 0 0 0, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। 7 0 0 0, 7 6 42, 7 8 56, 56 and 4 is 60, 7 2 14, 14 and 6 is 20, 4 नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाय ट्रेन इन 70 डेज इक्वल्स टू
2,02,00. Okay, so student, like this you have to solve all these three problems in your notebook. Then we will meet in another video. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.